आज हम बनाएंगे फिश करी। तो मैं यहाँ पे सरसों वाले फिश करी बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर उसे ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। सरसों वाले फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो फिश लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड। तो पहले हम क्या करेंगे कि फिश को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए पहले हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और साथ ही 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि फिश में हल्दी और नमक अच्छे से लग जाए। आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट लाल मिर्च को डालकर फ्राई करने से क्या होता है कि फिश जल जाता है। इस वजह से मैं यहाँ पे लाल मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ और आपको भी मैं एडवाइस दूंगी कि आप लाल मिर्च ना ऐड करें। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने फिश को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से ही मसाले को पीस कर तैयार कर लिया है। तो हम यहाँ पे सरसों वाले फिश करी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बड़े दाने वाले जो सरसों होते हैं काले वाले, वो हमने लिए हैं 2 चम्मच के करीब। जो छोटे वाले होते हैं वो मत लीजिएगा फ्रेंड, यही वाले लीजिएगा, इससे इसकी करी बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही मैंने 1 बड़ा गांठ लहसुन का लिया था और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को साथ में हमने इसे पीस लिया है। तो ये हमारा मसाला रेडी है। और साथ ही यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसे हम क्या करेंगे कि इस तरह से मोटे मोटे कट करके इसे मिक्सी के पॉट में डाल देंगे। तो हमें इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे टमाटर को पॉट में डाल दिया है। चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने टमाटर को पीस लिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने एकदम इसे फाइन नहीं पीसा है। तो इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मसाला और टमाटर का पेस्ट तैयार है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि इस फिश करी के लिए हमें मसाले को एकदम फाइन नहीं पीसना है। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भी दरदरा पीसा हुआ और टमाटर भी हमने दरदरा ही पीसा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा फिश भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो पहले हम क्या करेंगे कि फिश को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई लिया है। इसमें हम 2 से 3 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे, यानी कि सरसों का तेल। सरसों के तेल में फिश करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अदरवाइज आप जो भी तेल खाते हो वो ले सकते हैं। और तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है। अगर आप तेल को अच्छे से नहीं गर्म करोगे तो फिश इसमें चिपकने लगेगा और वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तब हम इसमें फिश को डाल देंगे। और कढ़ाई में जितने एक बार में फिश आ जाए उतने डाल दें। फिश को डालने के बाद हमें तुरंत नहीं पलटना है, जब ये नीचे से थोड़ा सिक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ पे नीचे से हल्का सा फिश हमारा सिक गया है, तब हम इसे पलट लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, फिश में कितना अच्छा कलर आया है। और इसी तरह से दोनों साइड अच्छे से लाल होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, हमारा फिश अच्छे से फ्राई हो गया। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बचे हुए फिश को भी हम फ्राई कर लेंगे। जब भी आप फिश करी बनाएं तो ध्यान रखें कि फिश फ्रेश ही ले। अगर आप पुराना फिश लेंगे, जब आप उसे फ्राई करने लगोगे तो कढ़ाई में चिपकने लगेगा और वो फिश करी आपको अच्छी नहीं लगेगी। साथ ही आपको कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके फिश को फ्राई करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के फिश करी बनाओगे तो आपके फिश करी एकदम परफेक्ट और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो सेम प्रोसेस से इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे फिश को फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, बट हम यहाँ पे ग्रेवी लगाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसी तेल में 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा ले लेंगे और साथ ही 2 तेज पत्ते
और इन सब को थोड़ा सा चटकने देंगे जिससे कि तेल में मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे ये हमारा जीरा और तेज़पत्ता अच्छे से भून गया है, तब हम इस टाइम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज ली थी जिसे मैंने लंबा लंबा स्लाइस में कट कर ली हूँ। प्याज को डालकर इसे अच्छे से भुनेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। तब हम इस टाइम इसमें पीसे हुए मसाले को डाल देंगे जो हमने सरसों वाला मसाला पीसकर तैयार किया था, और साथ ही एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर भी अच्छा आएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को हम 5 से 6 मिनट तक भुनेंगे जिससे कि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे हमने मसाले को 5 से 6 मिनट तक लगभग भुना है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि साइड साइड में ये तेल को भी छोड़ दिया है। तब हम इस टाइम इसमें क्या करेंगे कि टमाटो प्यूरी को डाल देंगे जो हमने टमाटर को पीस कर तैयार किया था, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने फिश को फ्राई करते टाइम नमक डाला था, तब हम इसमें ग्रेवी में नमक आए उसके लिए नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा चम्मच के करीब नमक डाल दे रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे जिससे कि टमाटर भी हमारा अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे हमारा टमाटर और मसाला अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तब हम इस टाइम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे गरम पानी डाल रही हूँ, गरम पानी ही डालिएगा, उससे कढ़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं, तो गरम मसाला लास्ट में ही डालिएगा, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मुझे ग्रेवी थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसमें 1/2 गिलास पानी और ऐड कर दे रही हूँ। तो टोटल हमने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है। अब करी में एक बॉयल आने तक पका लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, करी में बॉयल आ गया है। तब हम इस टाइम इसमें फ्राई किए हुए फिश को डाल देंगे, और फिश को डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट बाद इसे खोल लिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारी करी का कलर कितना अच्छा आया है। तब हम इस टाइम इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारी सरसों वाली फिश करी बनकर रेडी है। एक बार इस तरह से आप बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। तो आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।